वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 9 फिजिक्स। आज हम जो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन, उसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है आपका, उसमें कह रहा है कि ये फार्मर रूट्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, यानी कि एक कोई किसान है वो किसी स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के चारों तरफ चलता है और वो इस स्क्वायर फील्ड की स्क्वायर फील्ड का जो साइड है वो 10x10 का यानी 10 मीटर की साइड है। इसका जो एक चक्कर लगाता है, एक राउंड जो लगाता है वो 40 सेकंड के अंदर लगाता है, यानी ये आपका हमने मान लिया कोई स्क्वायर फील्ड है जिसका हमने नाम दे दिया ए बी सी और डी। अब वो कह रहा है कि इसकी जो साइड है वो 10x10 की है। अब वो कह रहा है कि इसका जो एक चक्कर किसान जो लगाता है वो 40 सेकंड में लगाता है, एक राउंड को कंप्लीट करता है वो 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो अब वो ये कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन पे, यानी कि मान लीजिए किसान चलना यहाँ से स्टार्ट करता है तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें जो 2 मिनट 20 सेकंड की हम यूनिट सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 2 मिनट 20 सेकंड इक्वल टू 2 × 60+20 मीन्स 120+20 140 सेकंड, मतलब हमें ये बताना है 140 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब यहाँ पर देखना है कि एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, एक जो राउंड लगा रहा है वो 40 सेकंड में लगा रहा है, तो 140 सेकंड में कितना लगाएगा, 40 डिवाइड हो जाएगी कितना हो जाएगा 3.5, यानी कि 140 सेकंड में जो किसान चक्कर लगाएगा वो लगाएगा बस 3.5 राउंड लगाएगा। 3.5 मतलब एक राउंड, दो राउंड और थर्ड राउंड के बाद आधा राउंड 3.5 है तो यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट ये बताना है, हमें ये डिस्प्लेसमेंट बताना है किसान का कि ये आपका कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, तो हम कहेंगे ए सी स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है, मीन्स ए सी का स्क्वायर स्क्वायर टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मीन्स 100 प्लस 100। क्लियर, तो ए सी स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा 200 और ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 200, यही होगा और रूट 200 कितना आएगा आपका 14.143 मीटर। तो ये मीटर दिया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना होगा 14.143 मीटर आपका होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, कोई ट्रेन है रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है और उसके बाद एंड मूविंग विद कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव करती है और स्पीड पकड़ लेती है 40 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में 10 मिनट। तो ये पूछ रहा है कि इस टाइम के बाद इसका एक्सीलरेशन, इस ट्रेन का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले कि जब आपको ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, जब वो क्लियर कह रहा है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब जो रेलवे स्टेशन पर स्टार्टिंग में वो खड़ी थी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू। जब ट्रेन स्टार्टिंग में रेलवे स्टेशन पर थी तब यानी कि वो रुकी हुई थी, जब वो स्टार्टिंग में रुकी हुई थी तो मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी होगी आपकी 0। उसके बाद वो चलना स्टार्ट करती है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है, मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी वी वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमको इस 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 40 × 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 60 × 60। क्लियर है, तो ये जो हमारा होगा क्या हो जाएगा अपॉन 36, मतलब ये जो बैठेगा हमारा 11.11 मीटर पर सेकेंड
वाली की निकल आई। अब इसके बाद तो टाइम दिला कितना 10 मिनट। उस 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो 10 मिनट का सेकंड में 10 × 60 क्लियर 600 सेकंड। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। आपने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी होगी v = u + v t। यहाँ पे हमें v पता है, u पता है और t पता है। हम यहाँ से इजीली एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। a = क्या हो जाएगा v - u / t। v हमारा कितना है 11.11, माइनस u कितना है 0, अपॉन t कितना है 600। क्लियर है? तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, ए इक्वल क्या होगा 11.11 × 600। क्लियर? तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.018 m/s। ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो कोई कार है जो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 m/s² के साथ मूव कर रही है, यानी कि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रहा है, वो दे रहा है 4 m/s². उसके बाद पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। वो पूछ रहा है कि ये 10 सेकंड्स में स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी। स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद करेगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी 0 होगी। क्लियर? टी यहाँ पर हमें दे रहा है 10 सेकंड है और पूछ क्या रहा है हमसे, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें एस पूछ रहा है, ए दे रहा है, यू दे रहा है और टी दे रहा है। तो इसके लिए हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो सेकेंड इक्वेशन रहेगी s = ut + 12 at² एफ हमसे पूछ रहा है यू कितना है 0 × t कितना है 10 + 1/2 ए कितना है यहाँ पर 4 × 10 × 10। इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा मीन ये पूरी फेज की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी। s = 2 क्या रहेगा 2 से ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया मीन्स 2 × 100। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर करेगी वैल्यू कितना करेगी 200 m का, यानी कि कार डिस्टेंस कवर करेगी और 200 m का